वेलकम बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल नूडल सूप। तो यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले चिकन स्टॉक, और उसमें मैंने ये किया है कि एक चिकन टिक्का का पीस लेके उसको बॉईल कर लिया। सिंपल उसका स्टॉक यहाँ पर मौजूद है और इसकी चिकन मैंने अलग कर ली थी। यहाँ पर मैंने 3 पैक नूडल के ले लिए हैं और चिकन फ्लेवर में लिए हैं। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, मैगी ले सकते हैं, कनोल ले सकते हैं, और उसके साथ जो इसके अंदर इसका टेस्ट मेकर आया हुआ होता है वो भी मैं यूज़ करूँगी। तो 3 यहाँ पर सिंपल मैंने नूडल्स के पैक ले लिए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने चिकन लिए तकरीबन 200 ग्राम्स के करीब यहाँ पर, और हमें इसके बड़े पीसेस लेने हैं, बिल्कुल छोटा नहीं करना है। कॉर्नफ्लोर लिया है यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और एक हम लोग यहाँ पर लेंगे चिकन क्यूब। वेजिटेबल्स में यहाँ पर मैंने लिए हैं बंद गोभी, आधी ली है छोटी कट करके रख ली है, और 2 गाजरे लिए हैं इसको भी छोटे स्मॉल कट करके रख लिया है, और स्प्रिंग अनियन लिए हैं तकरीबन 4 से 5 और इसको भी छोटा छोटा बारीक कट करके रख लिया है। एक मैंने बेल पेपर लिया है, ग्रीन बेल पेपर, और इसको भी इस तरीके से मोटा कट करके रख लिया है। और आलू मैंने 2 लिए हैं और इसको छोटा कट करके रख लिए हैं, और 2 भुट्टे लिए हैं बॉयल करके और उसको मैंने निकाल के इस तरीके से सिंपल रख लिया है। एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर लिया है और इसको भी छोटा कट करके रख लिया है। 4 यहाँ पर जवे लिए हैं लहसुन के, और ये यहाँ पर मैंने छोटे कट कर लिए हैं, और जिंजर का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेके 1 इंच का, और उसको भी छोटा कट कर लिया है। और इसके अलावा आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सूप में बहुत अच्छा लगता है इसके चंक्स जब आते हैं, तो इसलिए मैं ये यूज़ करूँगी। आपको जिस तरीके से अगर आप पेस्ट यूज़ करना चाहें तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे यहाँ पर मैं 2 इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मटर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1/2 कप। सॉसेज हम यहाँ पर लेंगे, सोया सॉस मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, वेनेगर लिया है वाइट वेनेगर तकरीबन 2 टेबल स्पून, और हॉट सॉस रेड चिली सॉस जो है तकरीबन 3 टेबल स्पून हम यहाँ यूज़ करेंगे, और सॉल्ट एंड पेपर हसब जायका, हम जितनी हमें नीड होगी उतना हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम आलू डालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा इसको बॉयल भी करना है। चिकन क्यूब डालेंगे यहाँ पर। अब हम इसमें नूडल डालेंगे तोड़ के इस तरीके से, और इसका टेस्ट मेकर भी हम डाल देंगे। अब जिंजर गार्लिक डालेंगे इसमें। आप जितना ज़्यादा पसंद करते हैं वेजिटेबल्स या टेस्ट के हिसाब से उतना डाल सकते हैं। टमाटर डालेंगे, कॉर्न डालेंगे, और वेजिटेबल्स सारी हम जो जितनी नीड है हम डालते जा रहे हैं इसमें। और ये जो ग्रीन वाली वेजिटेबल्स हैं इनको हम थोड़ा अभी एंड में डालेंगे, क्योंकि फिर आपको पता है इसका कलर जो है वो फौरन जल्दी से चेंज हो जाता है। अभी हमने वो वेजिटेबल्स डाली हैं जैसे कि कैरेट है या बंद गोभी है, जाके उसमें हमारा टेस्ट अच्छा आ जाए और अच्छे तरीके से सूप तैयार हो जाए यखनी इसकी। अब हम इसको इन सब चीज़ों को बॉयल होने का वेट करेंगे, उसके साथ साथ जब तक ये थोड़ी सी हमारी वेजिटेबल्स भी नरम हो जाएं और ये नूडल्स भी नरम हो जाएंगे, तब तक हम वेट करते हैं। अब देखें इसमें बॉयल आ चुका है और नूडल भी तकरीबन नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स डालूंगी। चिकन डालेंगे, अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैंने वेजिटेबल्स और नूडल्स थोड़े ज़्यादा डाले हुए हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसमें थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर अंडा डालेंगे, अभी मैंने यहाँ पर 1 ही अंडा लिया है, डालते जाएं और चलाते जाएं। अब सॉस डालेंगे, सोया सॉस, वेनेगर, रेड चिली सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट। अब 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह।
ये देखें हमारा चिकन वेजिटेबल नूडल सूप बन गया है। और इसी तरीके से आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिए, और सर्दियों में स्पेशली बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आई हुई होती हैं और बहुत हेल्दी भी है। और हमने इसलिए ज़्यादा वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं क्योंकि मैं एक डाइट मील के तौर पे भी इसको यूज़ करती हूँ सर्दियों में ज़्यादातर। तो आप जो है अपने हिसाब से इसको वेजिटेबल्स को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके साथ आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब तक मैं कोई नेक्स्ट रेसिपी लेके आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।